कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परमारथ तम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण कर तत्पश्चात सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण सज्जन एवं सज्जन वैष्णवीगण बड़ी खुशी की बात है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, पांच दिन की परिक्रमा समाप्त हुई। 16 से 17 हजार आदमी आए, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सब कृपा महाप्रभु की है। हम लोग तो हाथ उठा दिया, महाप्रभु जी इतने लोगों की सब व्यवस्था करते हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई, वर्षा आंधी नहीं हुई, ये भगवान की बहुत कृपा है। आज हम लोग जन्मदिन और मामगाछी गए थे। जन्मदीप की कथा और मामगाछी की कथा हमारे श्रीमान तीर्थ महाराज जी ने बतलाया। मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद करूँ। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को लेकर वनवास के समय में मामगाछी में आए थे। यहाँ की शोभा देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कोयल कूक रही थी, कोयलें कूक रही थी, आम वृक्ष के कतार के कतार चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। रामचंद्र जी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा और वहीं एक वट वृक्ष था, इसलिए उसको माम गाछी कहते हैं। गाछी मैंने पेड़। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, यहीं पर एक छोटी सी कुटी बनाओ और यहीं पर हम रहें। लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई उसी वट वृक्ष के नीचे।